तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैनोमीटर क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बना सकते हैं आप मैनोमीटर, या फिर इसकी वर्किंग कैसे काम करता है मैनोमीटर, और कहां कहां काम आती है मैनोमीटर की। तो आपने जब भी किसी बाइक में टायर को पंक्चर होते हुए देखा होगा तो आप मैकेनिक के पास लेके जाते हो, वहाँ पे मैकेनिक इसे बनाता है, फिर हवा भरता है। पर हवा भरने के साथ साथ वो चेक भी करता है कि प्रेशर सही है या नहीं उस टायर के अंदर, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी, हवा वो ज़्यादा भर देगा तो टायर ब्लास्ट कर जाएगी, अगर प्रेशर कम रह गया तो आगे फिर से पंक्चर हो सकती है। तो ये सब कैसे हो पाता है? आप ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हो या फिर कोई क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा होता है, वो कैसे मेजर कर पाता है? तो वहाँ भी इस मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर कह लो या किसी गैस का प्रेशर कह लो। तो यहाँ से दो चीज़ तो क्लियर हो गई, ब्लड मतलब लिक्विड, तो यहाँ पे मैनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्लियर हो चुका है व्हाई मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लिक्विड प्रेशर। और क्या हो सकता है? गैसेस के प्रेशर को। देखो पंक्चर की दुकान पे गैस प्रेशर, टायर में क्या भरी जा रही है? गैस ही ना भरी जा रही है, हवाएं भरी जा रही है, तो उसका प्रेशर भी वो मेजर कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल गैसेज प्रेशर को भी मेजर करने के लिए होता है। ये दो याद रखना, व्हाई मैनोमीटर इज यूज्ड, आंसर टू मेजर लिक्विड प्रेशर एंड टू मेजर गैसेज प्रेशर। पर ये प्रेशर कैसा होगा? एक तो प्रेशर हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं पता है तो इस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर तुमने बैरोमीटर वाली वीडियो छोड़ दिया ना कि वो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, तो इस वीडियो को देखना, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि एक प्रेशर तो हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये चीज़ तुम नहीं जानते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान सा ये टॉपिक है रिलेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दो मिनट में सीख जाओगे, बस वीडियो अंत तक देखना, दो मिनट में सीख जाओगे। अब मान के चलो एक मैं किताब ले ले रहा हूँ और इस किताब की लंबाई एक मीटर हो और इसकी चौड़ाई भी एक मीटर हो, काफ़ी बड़ी किताब हो गई, पर कोई बात नहीं, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने पहले से जान रखा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कोई हो तो उस पर एटमोसफेयर के द्वारा कितना पास्कल लगता है? 100 किलो पास्कल एटमॉस्फेयर के द्वारा लगता है। अगर मैंने मन बना लिया कि चलो मैं भी इस पर एक प्रेशर लगाता हूँ, जैसे एक किताब ले लो, इस पर अगर इसको प्रेस करूंगा तो मैं अपनी तरफ से भी तो प्रेशर लगा रहा हूं, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ऊपर से मेरा प्रेशर, तो अब इस पे पहले से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसमें तो मैंने जो लगाया ना, मेरा जो हो गया वो तुम्हारा रिलेटिव होगा, तुलनात्मक रूप से एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तुलना में मैंने भी एक प्रेशर लगाया। और मान के चलो कि तुमने 5 पास्कल लगाया, 5 पास्कल क्या, ये रिलेटिव प्रेशर हो गया, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि ये कैसे काम करता है, जल्दी। इस टाइप के मैनोमीटर को ना हम यू टाइप मैनोमीटर कहते हैं, यू टाइप या फिर कह सकते हो यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, यू ट्यूब कुछ नाम तो फेमस है पर कोई बात नहीं, यू ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि ये दिख ही रहा है यू ट्यूब टाइप का, देखो तो यू शेप का है, इसलिए हम इसको यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। इसको कई बार मरकरी मैनोमीटर भी कहा जाता है, अगर तुम मरकरी यूज कर रहे हो तब। मरकरी किस में? देखो ये जो रेड वाला दिख रहा ना तुम्हें, रेड वाला जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ये वाला रेड, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा मरकरी है, देखो मैंने लिखा है मरकरी। ये मरकरी एक फ्लूइड होती है, फ्लूइड मतलब समझते हो, फ्लूइड मतलब जो बह सकती है, एकमात्र मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि ये डेंस होती है, गाढ़ी होती है, डेंस, और ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। एक्यूरेट मतलब हम कोई भी अगर इक्विपमेंट यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सही सही रिजल्ट दे, प्रेसाइज दे, इसलिए मरकरी का इस्तेमाल होता है। काम कैसे करेगी? देखो यहाँ पे एक स्केल दिख रहा होगा, अब ये स्केल में ना mm लिख दिए गए हैं, 10 mm, 20 mm, 30 mm, या फिर 100 mm, 200 mm, 300 mm। mm क्या है नहीं जानते हो तो ऐसे समझो, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं, ये 10 डिवीज़न क्या कहलाते हैं? 10 mm कहलाते हैं। तो मान के चलो ये नॉर्मल सा स्केल है, जैसे आपका स्केल होता है कैमल नटराज ये सब वाली स्केल, 15 सेंटीमीटर होते हैं उसमें, 15 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 15 सेंटीमीटर में कितने mm आ जाएंगे उसमें? 150 mm आ जाएंगे। तो ये भी एक नॉर्मल सा स्केल है जिसमें कुछ ना कुछ mm लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50 या फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 760 इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो देख रहे हो ना तुम यहाँ पे, ये मैं आपको पहले से रिवील कर देता हूँ ये कितना mm तक है, ये अभी 760 mm, 760 mm समझते हो, 760 mm कहने का मतलब 76 सेंटीमीटर, आ रही बात समझ में? 76 सेंटीमीटर, कितने स्केल लग जाएंगे? मुझे तो लगता है 15 स्केल तुम्हारे आ जाएंगे, 15 नहीं 5 आ जाएंगे, 5 स्केल,
अगर 5 स्केल को ऐसे सजाओ ना, वो जो आती है 15 सेंटीमीटर वाली स्केल, उसको सजाओगे 5, तब जाके ये इतनी लंबी स्केल बनेगी। 15 पचे 75 होता है 75, और 75 में एक जोड़ दो 76 सेंटीमीटर। तो स्केल तो आपने समझ लिया कि एक नॉर्मल सा स्केल है, लंबी सी है, तुम्हारे वाले से थोड़ी लंबी है, 760 mm है यहाँ पे, 760 mm है। सोचो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ये दोनों देखो, ये ट्यूब जो है वो ओपन है, ओपन है ना ट्यूब, तो ट्यूब जब ओपन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे मरकरी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना, इसको हम 1 atm भी कहते हैं, या फिर मन करे तो 1 bar भी कह लो, या फिर मन करे तो आप ऐसे भी कह सकते हो 100 kPa। और अगर मरकरी में दिखाना चाहते हो ना कि मरकरी के हिसाब से कितना है, तो 760 mm। ये Hg मतलब क्या होता है, मरकरी होता है, Hg मतलब मरकरी। जैसे Na को सोडियम बोलते हैं, C फॉर कार्बन होता है कि नहीं, Al फॉर एल्युमिनियम होता है, तो उसी तरह से Hg फॉर मरकरी होता है, जैसे H फॉर हाइड्रोजन होता था, तो Hg फॉर मरकरी। ओके, और 760 mm मतलब इतना लेवल तक ये गया हुआ है। तो अगर 760 mm पे अगर स्केल पे आ रही है ना, अगर मरकरी यूज कर रहे हो 760 mm पे ये लेवल पे आ रही है, तो समझ जाना कि अभी इस पे कोई दूसरा प्रेशर नहीं लग रहा है, बल्कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और दोनों जगह तो बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगी, दोनों का होल देखो एकदम इक्वल साइज का है, तो जिसके कारण ये दोनों का लेवल सेम होगा। यहाँ पे देखो मरकरी का लेवल वही है और यहाँ पे भी मरकरी का लेवल यही है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है जितना कि यहाँ पे। अब इसका यूज कैसे करें, हम इसका फायदा कैसे उठाएं, ये देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे एक ऐसे कंटेनर ले लेते हैं। अब इस कंटेनर में एक काम करो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी लिक्विड, ऐसे मैंने एक लिक्विड ले ली, ये कोई लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें एक अलग से ट्यूब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्यूब लगाते हैं अलग से, यहाँ पर से एक ट्यूब ऐसे लाते हैं, एक ऐसे ट्यूब, समझ में आ रही है, एक मैंने ट्यूब लाया है इस तरह से, हॉलो ट्यूब है, मैंने कनेक्ट कर दिया एक ट्यूब, हॉलो ट्यूब ऐसे लिया है। अब देखो यहाँ पे पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से लग ही रहा था, अब देखो उसके जगह पे ये लिक्विड प्रेशर भी लगेगा। देखो लिक्विड जो होती है ना, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है, मैंने ये बताया है, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, राइट, इधर भी लगाएगी। अब इधर लगाएगी तो ये एक प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट होगा, सोचो एक प्रेशर यहाँ से भी एग्जर्ट होगा ऐसे, तो अब तो प्रेशर बढ़ गया ना, अब प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, पहले की तुलना में अब प्रेशर बढ़ गया, पहले 1 atm लग रहा था पर अब इसका भी लग रहा है, इस लिक्विड का भी प्रेशर लग रहा है। तो अब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये मरकरी नीचे जाएगी, ये मरकरी नीचे जाएगी, देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मरकरी अब नीचे चली गई, देखो यहाँ तक चली गई, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मरकरी अब यहाँ तक चली गई, इसको धकेल के ऐसे लेके नीचे चला गया है, क्यों, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। जब मरकरी नीचे आ गई तो इधर ऊपर चढ़ेगी, होगा ना, ये मरकरी ऐसा थोड़ी कि गायब हो जाएगी, ये नीचे आई है तो इधर से ऊपर भी जाएगी, तो अब थोड़ा सा मरकरी यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा, ये मरकरी इतना ऊपर चढ़ गया, जो यहाँ से जितना खाली हुआ था उतना ही ऊपर चढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की रीडिंग अब आप देखने को मिल जाएगी, एक रीडिंग तो ये हो गई, देखो ये वाली, और एक रीडिंग यहाँ से ये हो गई, ये वाली, देखो तो ये रीडिंग और ये रीडिंग दोनों पे चेक कर लेना। मान के चलो यहाँ पे 200 mm दिख रहा है, 200 mm दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है ना, और यहाँ पे दिख रहा है 900 mm, 900 mm किसकी, Hg की, Hg मतलब मरकरी। तो दोनों के बीच में देखो ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा, देखो 900 में से 200 घटाओगे तो कितना, 700 mm आएगी, राइट, 700 mm का अंतर आ रहा है, किसका अंतर आ रहा है, Hg का। कोई Hg कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो 700 mm के
इस स्केल में जो मरकरी का डिफरेंस है ना, उतना प्रेशर हम कह सकते हैं कि इस लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है। और जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एग्जर्ट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रेशर। यहाँ पे हमने लिक्विड प्रेशर मेजर कर लिया। तो आज आपने जाना कि मैनोमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है, वर्किंग क्या होता है इसका, मैनोमीटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आते रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक बोले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी जाके जरूर देखें।